केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना संक्रमण से बचाने वाला टीका देश में सभी लोगों को नहीं लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि हर टीका हर व्यक्ति को लगाने की जरूरत नहीं होती। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुनिया में हर व्यक्ति को कोविड 19 का टीका नहीं लगाया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP की सांसद सुप्रिया सुले की ओर से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हर वैक्सीन को सभी लोगों को लगाए जाने की जरूरत नहीं होती। टीकाकरण के लिए प्राथमिकता समूह सावधानी पूर्वक और वैज्ञानिक ढंग से तय किए गए हैं। कल प्राथमिकता समूह में विस्तार होगा, किन्हें टीका लगाया जाए ये विशेषज्ञों की सलाह और WHO की गाइडलाइंस पर तय किया जाता है। टीकाकरण पर भारतीय विशेषज्ञ समूह इस क्षेत्र के वैज्ञानिक विकास के साथ संपर्क में है। वैज्ञानिक रूप से टीका हर किसी को लगना जरूरी नहीं है। कोरोना टीका दुनिया में हर किसी को नहीं लगाया जाएगा। सभी चीजें वैज्ञानिक सलाह पर आधारित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के टीके को लेकर अनेक लोगों के मन में पैदा हो रही आशंकाओं को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा, दुनिया भर में वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद टीकों को मंजूरी दी गई है और हमें इन पर विश्वास करना चाहिए। हर्षवर्धन ने लोकसभा के प्रश्नकाल में कहा कि देश दुनिया में बहुत सारे लोगों के मन में आशंका है कि कोरोना वायरस का टीका आने वाले वक्त में नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा, भारत में जिन दो टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सिन को इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है वो सुरक्षा, प्रभावशीलता और प्रतिरक्षा क्षमता पैदा करने के मानदंडों को पूरी तरीके से पूर्ण करती है। निचले सदन में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के पूरक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कहा, देशवासियों को कोविड टीकों को लेकर कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।